जैन पाकशाला पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें और लाइक के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं आम के रस की बूंदी, जो कि अपने आप में मौसम की बहुत ही शानदार मिठाई है। साधारण बूंदी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन आम के रस की बूंदी बनाकर देखिए। इसका आम का जो फ्लेवर इसमें आता है वो वाकई लाजवाब होता है। खट्टा मीठा एक अनोखा स्वाद होता है इसका, और आज इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। अब हम बना रहे हैं। ये चीनी, बेसन जो थोड़ा सा मोटा होगा, दरदरा सा, ये देखिए, और एकदम बारीक नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा मोटा दरदरा चाहिए आम का रस। और ये फ्लेक्स, बादाम और पिस्ते के फ्लेक्स, जो कि मैं गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे, और चाहिएगा हमें ये तलने के लिए। अब इसलिए चाहिए हमें चीनी डेढ़ कटोरी, एक कटोरी मैंने इसमें डाल दी, आधी कटोरी चीनी, और इसमें मैंने डाला है वही नाप की एक कटोरी पानी। और अब हम इसे इसकी चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमें इसे गैस हम ऑन करते हैं। हमने ये रखा, ये अब हम इसकी चाशनी बनने रख देते हैं। ये इसकी चाशनी बनेगी, उतनी देर में हम ये एक कटोरी बेसन है इसमें मैंने आधी कटोरी और डाला, वही नाप है जो लेंगे हम, एक ही नाप से लेंगे। ये आधी कटोरी बेसन और डालिए, डेढ़ कटोरी बेसन हो गया है, जितनी चीनी है उतना ही बेसन है। अब इसमें डाल रहे हैं हम आम का रस, इसमें हम एक कटोरी आम का रस डाल देते हैं, और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, लम्स ना पड़े, बहुत धीरे धीरे आराम से इसको हमें मिला लेना है। ये इसमें हमारा बेसन अब पूरा नहीं फूला है, हम इसमें आधी कटोरी, डेढ़ कटोरी बेसन लिया था ना, अभी हमने डेढ़ कटोरी ही आम का रस डाल दिया है। ठीक, ये हो गया, अब हम इसे अच्छे से हिला लेते हैं। और एक बात और बताऊँ आपको कि ये आम का रस हमें खट्टे आम लेने हैं, एकदम मीठे आम हमें इसे नहीं चाहिए, थोड़े से अच्छे तीखे खट्टे, जिनमें आम में खटास पूरी होती है, तो वो आम हमें चाहिए, उससे ज़्यादा स्वाद इसका बैठता है खट्टा मीठा। ये हमारा ये घोल तैयार हो गया है, ये भी कुछ गाढ़ा लग रहा है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा रस, ये एक चम्मच जितना और डाल रही हूँ। और अब इसमें हमें चाहिएगा ये इतना पानी, 1/4 कटोरी हमने पानी डाला है, और इसका पतला घोल हम बनाएंगे। इतने दिन हम देखते हैं चाशनी के क्या हाल है। ये चाशनी हमारी बन रही है, इसका चीनी गल रही है, हमें सिर्फ एक तार की चाशनी चाहिए, इससे जब बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली नहीं, एक तार की पतली सी चाशनी चाहिए। हमने आधी कटोरी पानी और इसमें डाला, इसका घोल हमें पतला बनाना है। बस ये ऐसा हो गया, पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ गया, ये बस ये हमारा तैयार है। बस ये ऐसा घोल हमें चाहिए, ये देखिए, ये है बराबर, बिल्कुल सही है। बस अब इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे उतार के साइड में रख देते हैं, और हम इसमें घी चढ़ा देंगे तलने के लिए। ये हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम ये जाली रखेंगे, इस पर झाले एक लेंगे और
छारी में ही हमने डाल के ये बोलते निकालते हैं इससे धीरे धीरे। ये हम बूंदी स्किप कर लेंगे और इसकी बूंदी का कलर थोड़ा सा डार्क ही रहता है क्योंकि आम के रस की वजह से ये जनरल बेसन की बूंदी जो रहती है नॉर्मल उससे थोड़ा गहरा ही रंग इसका आएगा। ये हमारी बूंदी देखिए तैयार हो गई है, इसे हम अब निकाल कर पास में चाशनी की कढ़ाई है उसमें डाल देंगे। ये सारी बूंदी निकाल लेनी है, मैंने झाड़े में बेसन लिया अब इसे हम वापस की वापस हम बूंदी और धीरे धीरे आराम आराम से इसकी बूंदी हम गिरने देते हैं और ये तैयार हो रही है। ये देखिए सिंगल आया, ये इस तरह हम सारी बूंदी बना लेंगे। ये हमारी बूंदी बनके तैयार हो गई, देखने से पूरा रस पी लिया है और इसे हम अब सर्व करेंगे। ये थोड़ी सी रसीली ही रहती है और वो ही अच्छी लगती है। और अब इस पर हम थोड़ी सी फ्लेक्स डाल देंगे ताकि अच्छा रहे। वैसे इसमें फ्लेवर के लिए इलायची वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें अपने आम का फ्लेवर अपना खुद का ही इतना अच्छा होता है कि इसका मज़ा ही कुछ और होता है।